सैमसंग गैलेक्सी A52 डिवाइस की टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 2। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस डिवाइस के अंदर आप क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाती हैं। काफी ज्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर से कर देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले ना आप लोगों को यहाँ पे मैं एक सिंपल सी डिफॉल्ट यहाँ पे एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली अपनी कहीं पे भी जहाँ पे आप लोगों की ब्लैंक स्क्रीन हो वहाँ पे अपने डिवाइस को लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। तो आप लोगों को ना यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा होम स्क्रीन लेआउट। होम स्क्रीन लेआउट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन बोलेगा कि आप लोग या तो अपने होम स्क्रीन एंड ऐप स्क्रीन को अलग अलग यूज़ करो या तो अपनी बस एक होम स्क्रीन रखो। तो मैंने होम स्क्रीन रखी हुई थी, जैसे चाइनीज ऐप यहाँ पे डिवाइसेस देते हैं, बट मैंने इसको अब रिमूव कर दिया। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखने को मिल। इसके बाद गाइस आप लोगों को एक और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेटिंग देखने को मिल जाती है। सिंपली आप लोगों को इसके जानना है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, देन आप लोग इस डिवाइस के सेटिंग्स के अंदर जाओगे। आप लोगों को यहाँ पे जाना है नोटिफिकेशंस के अंदर। नोटिफिकेशंस के अंदर जाओगे, ब्रीफ पॉपअप व्यू सेटिंग, ब्रीफ पॉपअप व्यू के अंदर आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे पूछेगा कलर बाय कीबोर्ड, और यहाँ पे आप लोगों को ना मतलब एज लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। एज लाइटिंग स्टाइल्स आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों को कुछ इस टाइप की एज लाइटिंग स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग यहाँ से आके कुछ इस टाइप के कलर्स को यहाँ पे एज, जब भी आप लोगों का कोई नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के कुछ इस टाइप के कलर्स ब्लिंक होंगे, तो इसको भी आप लोग आके सेटअप कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है आप लोगों का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप लोगों को ना इस डिवाइस के अंदर एक और काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आप लोगों को जाना है इस डिवाइस के कैमरे के अंदर। कैमरे के अंदर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फन मोड। अब ये फन मोड अगर आप लोग स्नैपचैट के फिल्टर्स को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे तो आप लोग स्नैपचैट फिल्टर्स को अपने इसी डिवाइस के अंदर यहाँ से यूज कर पाओगे। काफी ज्यादा अच्छे से चलते भी हैं, और जो स्नैपचैट फिल्टर्स है ना मैंने यूज करके देखे हैं। मैं फैन नहीं हूँ बट मैंने यूज करके देखे थे, काफी ज्यादा अच्छे से चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ फिल्टर्स इसने दिखा दिए, तो काफी ज्यादा अच्छे से चलते हैं। आप लोग चाहो तो इन स्नैपचैट फिल्टर्स को यूज करके देख सकते हो।